से लिखते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे टू। टू का पहले हम टू में पहले कर्व्स बनाते हैं और स्लीपिंग लाइन। थ्री में होती है टू कर्व ऐसे। बाद फोर, फोर में आपको सबसे पहले एक लाइन, सबसे पहले हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन बन गया फोर। और नेक्स्ट फाइव, और फाइव में सबसे पहले हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी होती है और फिर एक कर्व बनाना होता है और फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। बच्चों हम सिक्स बनाएंगे। सिक्स में आपने तीन स्ट्रेट लाइन होती है ना, इस तरह से एक लाइन बनानी होती है और फिर आपके आगे एक सर्कल बनाना होता है, नीचे से ही लिखे जाना होता है। और ये मैंने सिक्स। सेवन, सेवन में आपने सबसे पहले आपने इधर एक स्लीपिंग लाइन, फिर आपने इधर एक स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा इस तरह से उधर कर, थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। ये नहीं पूरा नहीं करना, आपने सिर्फ इतना सा करना है स्टैंडिंग लाइन को। और नेक्स्ट है एट, और एट बहुत इजी होता है। हमने दो होते हैं इसके, पहले दो होते हैं इसके तरीके। पहला होता है हमने एस बनाना होता है और फिर ऐसे लिख के ऐसे कर देना होता है। और नेक्स्ट थ्री का हमने दो एक सर्कल बनाना होता है, उसके साथ दूसरा सर्कल जोड़ देना होता है। और नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले नाइन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने यही नहीं पी बनाते हैं, ये फनी लगेगा, ऐसे लगेगा वन टू नहीं है पी, अपने पी नहीं, आपने उसके दूसरी तरफ से सर्कल बना देना है, उसके साथ जोड़ देना है। ये बन जाते हैं हमारा नाइन। और दूसरा नंबर टेन, टेन की मैं आपको बताती हूँ। जो टेन होता है ना, टेन पर वन कैसे बनता है, जो वन होता है ना, वन लंबा लेके जाना है, यही छोटा सा बना देना है, ये अलग है। अच्छा, उसके बाद है हमारा इलेवन, वन के साथ। देखिए ये देखिए दोनों मिलते जुलते हैं। अब एक और आएगा वर्ड जो उनसे मिलते जुलते हैं, वो थोड़ा सा इससे सेम होगा पर उसमें टू होंगे वर्ड। देखिए वन टू, ये देखें ये बन गया इलेवन। और उसके बाद आता है ट्वेल्व। ठीक है बच्चों, ये जो वन है फिर इसके बाद वन लगाएंगे तो टू आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। जब ये इधर तक आ जाएगा ना, फिर बाद में हमारा और वर्ड शुरू हो जाता है इधर से। जब ये पूरे इधर तक हो जाती है 99 तो 100 आता है। चलो अब हम लिखते हैं इस, 12 हो गया। अब 12 के बाद होता है 13। चलो अब हम लिखते हैं मेक अ लाइन एंड मेक अ थ्री। और नेक्स्ट वर्ड है 14। चलो मेक अ लाइन मतलब वन एंड फोर। दूसरा है हमारा वर्ड 15, मेक अ वन एंड फाइव। ओके, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है 16, मेक अ लाइन एंड सिक्स। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है 17, मेक अ लाइन एंड सेवन। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है 18, मेक अ लाइन एंड एट। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है 19, मेक अ वन एंड नाइन। और अब हमारा दूसरा वर्ड है 20।
Bobby.